गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था 3 पार्ट के अंदर। आज हम टॉट चालू करेंगे और आज ही इस टॉट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये सारा मॉड्यूल से कवर है और टॉट सबका बेसिक होता है, चाहे CSET का ले लो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ले लो। टॉट इज जनरल, तो हम इस टॉट के अंदर आज जनरल सारी बातें करेंगे विद पॉइंट ऑफ विद आर फोकस ऑन CSET सिलेबस, ठीक है। तो हम टॉट की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये टॉट होता क्या है। टॉट को समझने से पहले हम समझते हैं कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, सिविल रॉन्ग होते हैं इंडिविजुअल रॉन्ग। थोड़ा टाइम लगेगा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में, पर हम इसको जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं पब्लिक रॉन्ग, मतलब अगेंस्ट अ पब्लिक। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे मैं क्लियर हो जाएगा। मेरी कॉलोनी में किसी का मर्डर हुआ, मेरी कॉलोनी में अगर किसी का मर्डर हुआ तो सिर्फ जिसका मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव अफेक्ट नहीं होंगे, उसके कारण पूरी कॉलोनी, उसके कारण हमारी पूरी स्टेट अफेक्ट होएगी कि यार ये मर्डर किसने कर दिया। पूरे मीडिया पर आएगा इसके इस कॉलोनी में एक जने का मर्डर हो गया, और खबर क्या आएगी, दिन दहाड़े मर्डर हो गया, दैट अ मर्डर हैज बीन टेकन प्लेस इन अ कॉलोनी। सो इन दैट केस नॉट ओनली द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टम विल बी सफर्ड, बट ऑल्सो होल स्टेट एंड होल कॉलोनी विल बी अंडर फियर। सो दिस इज नोन एज अ प्राइवेट रॉन्ग। ये एक प्राइवेट रॉन्ग है। अब हम इंडिविजुअल रॉन्ग की बात करते हैं। इंडिविजुअल रॉन्ग ये है कि मैं रोड पर जा रहा हूँ, ये यहाँ पर रोड पे फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट्स है, इसकी बालकोनी से मेरे सर पे एक पॉट आके गिर गया, एक पॉट आके गिर गया तो उसके कारण मेरे सर पे लगी, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ ये चीज़ ये रिस्पॉन्सिबल होएगा, ये मेरे को लगी है तो और किसी को इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, इसने अपनी बालकोनी में पॉट रखा है, उसको गिरने के कारण मेरे लगी है, तो ये इसकी नेग्लिजेंस है, तो मैं इसको टॉट में सीव करूंगा। टॉट क्या होता है? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। ये जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट जितने रॉन्ग होते हैं ना, उसे हम टॉट कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं डिफेमेशन का, आपने सबने सुना होगा। डिफेमेशन में क्या, कोई एक्चुअल डिफेमेशन के अंदर अगर ए बी को कस वर्ड्स बोलेगा, अगर ए बी को अब्यूजिव वर्ड्स बोलेगा सबके सामने, पब्लिक के सामने, तो बी की रेप्यूटेशन, बी की इमेज डाउन होएगी, तो वो ए के ऊपर डिफेमेशन का केस करेगा। तो ये इन दोनों का आपस का मामला है, इससे हम पब्लिक को कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक सिविल रॉन्ग के अंदर आता है, मतलब इंडिविजुअल रॉन्ग के अंदर आता है। और हमारा क्रिमिनल रॉन्ग होता है जिसमें पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होती है, होल स्टेट गेट इफेक्टेड बाय एनी पर्टिकुलर एक्ट। और अब सुनना एक और चीज़, इस सिविल रॉन्ग के अंदर क्या होता है? देखो, क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर हमें पनिशमेंट मिलती है। कोई मर्डर करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी कि तेरे को 5 साल की सजा दी जाती है, तेरे को फांसी दी जाती है, तेरे को डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो इसमें पनिशमेंट मिलती है। और सिविल रॉन्ग के अंदर हमें कंपनसेशन देना होता है। कंपनसेशन इज द रेमेडी, ये इसकी रेमेडी है। कंपनसेशन इज द रेमेडी फॉर दिस सिविल रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा, सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग डिस्कस करा। टॉट समझने से पहले ये चीज पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग होता है। तो इसको पनिशमेंट के लिए हमारे पास आईपीसी है। आईपीसी में यही चीजें दे रखी है ना, अगर कोई मर्डर करेगा, कोई थेफ्ट करेगा, कोई चोरी करेगा, तो ये सारी चीजें हमारी आईपीसी में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक रॉन्ग हो गया, क्रिमिनल रॉन्ग हो गया, इसमें पनिशमेंट मिलती है, ये पनिशमेंट मिलती है। और इसके अंदर रेमेडी होती है कंपनसेशन। ए विल कम ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय कोर्ट, ए विल हैव टू कंपनसेट बी फॉर द लॉस ऑफ हिज रेप्यूटेशन एट ऑन फॉर द लॉस ऑफ हिज रेप्यूटेशन, ठीक है। ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये हमने सिविल और क्रिमिनल रॉक की बात करी। अब सुनना मेरी बात टॉट की। अब देखो, टॉट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज टॉटम, विच मीन्स ट्विस्टेड अनलॉफुल। कोई अनलॉफुल एक्ट होता है उस, मतलब टॉटम का मतलब ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है अनलॉफुल कंडक्ट, अनलॉफुल एक्ट, ट्विस्टेड क्रूड मतलब सही नहीं है, लॉफुल नहीं है, ट्विस्टेड है, कुछ दाल में कुछ काला है, वैसे टॉट होता है, ठीक है। टॉटम, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, मैंने आपको बता दिया सिविल रॉन्ग क्या होता है, फॉर विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो एक मिनट।
इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज ये वाला, ये चीज, ये चार्ट आप देखो, देखो रॉन्गफुल एक्ट होता है या तो वो सिविल होता है या क्रिमिनल होता है, और सिविल के अंदर भी दो डिफरेंशिएशन होते हैं, या तो वो टॉर्ट होता है या वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका ब्रीच होता है। ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हमारा टॉर्ट का बेसिक चैप्टर, बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज टॉर्ट, वी विल गेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो रॉन्गफुल एक्ट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ से देखो, हमने टॉर्ट की डेफिनेशन क्या बोली, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग आई हैव एक्सप्लेन यू, फॉर विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं दैट आर नॉट फिक्स्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिपेंड्स करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन पे, ये फिक्स्ड नहीं होते। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मेरे को 15 अप्रैल तक 500 बॉक्सेस डिलीवर कर दे, और अगर तूने डिलीवर नहीं करा तो तेरे को ₹1 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी, 1 लाख पेनल्टी या मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे पे भरोसे पर हूँ, मतलब मैं तेरे भरोसे पर हूँ, मेरे को 15 अप्रैल तक 500 बॉक्सेस की डिलीवरी चाहिए, अगर डिलीवरी नहीं होगी तो ₹1 लाख पेनल्टी तेरे पे लगेगी, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो, अगर मान लो इसने डिलीवर कर दिया इसको, इफ बी सक्सेसफुली डिलीवर्स ए देन एवरीथिंग इज ओके, बट इफ बी फेल्स टू डिलीवर इट टू ए देन बी नीड्स टू गिव कंपनसेशन ऑफ ₹1 लाख। तो ये ₹1 लाख कहाँ डिफाइन था, ये होते हैं फिक्स्ड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये ₹1 लाख फिक्स्ड है। देखो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, ठीक है, सिविल रॉन्ग के अंदर ही आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी इंडिविजुअल रॉन्ग ही होता है, भाई ए और बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें सी या फिर पब्लिक को कोई लेना देना है, सी और पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, तू कॉन्ट्रैक्ट कर तो ये होगा सिविल रॉन्ग, पर ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंट होता है टॉर्ट से। इसके अंदर पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, दोनों के लाइक माइंडेडनेस होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बताता है। और टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, टॉर्ट हमारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और इसका कोई रिटर्न लॉ नहीं है, नो रिटर्न लॉ, ठीक है, टॉर्ट का कोई रिटर्न लॉ नहीं है। देखो हमारे पास इसका रिटर्न लॉ है आईपीसी क्रिमिनल लॉ का, सिविल रॉन्ग के अंदर दो पार्ट है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर जो पार्टीज आपस में डिसाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, वो चीज़ हमारे पास है। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्ट की, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, मतलब उसके डैमेजेस पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। मैं सड़क पर चल रहा हूँ, क्या मैं अपने सर के ऊपर ये लिख के चलूंगा, जिसने भी मेरे ऊपर गमला गिरा उसको मेरे को 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ऐसा लिख के चलता हूँ, मेरे सर पर गमला आके गिर गया क्योंकि किसी बालकोनी में नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से वो पॉट वहाँ रखा हुआ था, मेरे सर पे गिर गया, तो मैं उसको स्यू करूँगा कि मेरे को कंपनसेशन दे? क्या हमने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर मेरे ऊपर गमला गिरेगा तो मैं तेरे को 50,000 रुपीज़ दूंगा? सो दिस इज द एग्जांपल कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, और इसका कोई रिटर्न लॉ नहीं है, ये अनकोडिफाइड है, ये अनकोडिफाइड है, और इट इज़ इवॉल्व थ्रू जजेस इसको इवॉल्व करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है, इसके बाद की आगे की चीज़ें बहुत इजी है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में फ़र्क पता होना चाहिए। सिविल रॉन्ग इंडिविजुअल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग इज पब्लिक रॉन्ग। इंडिविजुअल रॉन्ग के अंदर हमारे डिफेमेशन आते हैं, और हमारा डिफेमेशन आते हैं, और बहुत सारे टॉर्ट्स होते हैं, टॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कंपनसेशन रेमेडी होती है, इसके अंदर पनिशमेंट मिलती है, ये आईपीसी में दे रखा है। अब सिविल रॉन्ग के अंदर ही दो चीज़ें आती है, एक आता है टॉर्ट, एक आता है कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, दोनों सिविल रॉन्ग होती है। इसमें पार्टीज के कंपनसेशन प्री डिसाइडेड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा होता है, तो इसको हम टॉर्ट में नहीं गिनेंगे। टॉर्ट में तो हमें सिविल रॉन्ग और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब इसका जो कंपनसेशन है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और इसका मैंने बेस्ट एग्जाम्पल आपको वो दिया है कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ, मेरे सर पे आके पॉट गिरा। मेरे को पहले पता था कि मेरे सर पे आके पॉट गिरेगा, नहीं पता था, मैंने उसको स्यू करा, उससे मैंने कंपनसेशन लिया। क्या हम पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि जो मेरे सर के ऊपर पॉट गिरेगा उसको 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग में मैंने आपको फर्क बता दिया। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे सिलेबस पे कि व्हाट इज टॉर्ट, इंट्रोडक्शन टू टॉर्ट। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आए मेरे को डीएम करना, मैं आपको इंस्टेंट मैसेज करने की कोशिश करूंगा। टॉर्ट इज अ टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम व्हिच मीन्स क्रूक्ड और अनलॉफुल एंड रॉन्गफुल कंडक्ट। ठीक है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखो भाई, टॉर्टम वाली चीज याद रखना, सिविल रॉन्ग याद रखना, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ध्यान रखना। टॉर्ट इज अनकोडिफाइड, टॉर्ट अनकोडिफाइड है, ये मैंने आपको बताया। एंड इट डज नॉट कंटेन एनी सेक्शंस एंड नो एक्ट वॉज पास्ड इन दिस रिगार्ड। क्रिमिनल लॉ के अंदर इंडियन पिनल कोड 1860 पास हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 पास हुआ है, टॉर्ट के अंदर कोई लॉ नहीं है। इट इज इवॉल्व थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, दैट इज थ्रू वेरियस जजमेंट्स गिवन टाइम टू टाइम। इसको जज बनाते हैं कि उनके पास जो केस आता है उस केस के हिसाब से वो लोग करते हैं कि इस किस कौन रिस्पॉन्सिबल है, जजेस डिसाइड करते हैं। टॉर्ट को जजेस डिसाइड करते हैं और इसके डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं और ये कहीं पर भी रिटर्न नहीं है, ये अनकोडिफाइड है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये यूके से इवॉल्व हुआ है, सबसे पहले यूके से ओरिजिनेट हुआ है, फिर हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। इसका रिटर्न फॉर्म तो है नहीं, जो जजेस बोलते हैं वो बात मानते रहते हैं। तो जजेस के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और जजेस के डिसीजन पे टॉर्ट बेस्ड करता है। ठीक है, अब टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंशिएशन देख लो, मैंने समझाया है। ठीक है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच यू गेट टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग फॉर विच यू गेट कंपनसेशन। ठीक है, एक गोज टू रैंडम। अब हाँ, ये वाला एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ क्या है कि एक आदमी कॉलोनी के अंदर घूम रहा था, वो किसी भी रैंडम घर के अंदर जाके उसके स्विमिंग पूल में नहाकर आ जाता है। तो ये इससे उस इंडिविजुअल को ही फर्क पड़ेगा ना जिसके घर वो गया, तो ये क्या हुआ, ये प्राइवेट रॉन्ग हुआ। इससे उसको कोई खास, इससे उसको डैमेज हुआ कि भाई मेरे राइट है, मेरा राइट का वॉयलेशन हुआ है, तो मेरे घर में आके मेरे स्विमिंग पूल में कैसे बात कर सकते हैं। तो वही चीज़ इधर लिखी है, ए गोज टू रैंडम हाउस इन कॉलोनी सेव बीज हाउस एंड यूजेस हिज स्विमिंग पूल, ही कमिटेड ट्रेसपास। ट्रेसपास अभी मैं बताऊंगा, टॉट के अंदर ट्रेसपास होता है कि किसी और के घर में बिना उसकी ऑथराइज्ड परमिशन के एंटर करना, उसे हम ट्रेसपास कहते हैं। एंड इट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड इट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ प्राइवेसी सॉरी सॉरी फॉर दैट ठीक है, एंड इट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, फॉर दिस एक्ट कोर्ट विल डायरेक्ट ए टू गिव सम कंपनसेशन टू बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हमने देख लिया, ये जो एग्जाम्पल है ये हमने देख लिया। ठीक है, मेरे साथ चलना एकदम, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। ये हमारा सिविल रॉन्ग का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन कंडक्टिंग टॉर्ट बेसिकली वॉयलेट्स द राइट ऑफ अनदर पर्सन। इट इज आर ड्यूटी इन एक्सरसाइजिंग आर राइट्स दैट वी शुड नॉट वॉयलेट्स द राइट ऑफ अदर। जो बंदा टॉर्ट करता है वो किसी और के राइट को वॉयलेट करता है। मेरे घर के अंदर मेरे स्विमिंग पूल में मेरा ही राइट है उसके अंदर नहाने का। अगर कोई बाहर वाला बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के स्विमिंग पूल में आके बात कर रहा है तो वो मेरे राइट को वॉयलेट कर रहा है, इसलिए वो टॉर्ट होता है और वो सिविल रॉन्ग के अंदर आता है। ठीक है, ए पब्लिशेज एन आर्टिकल इन न्यूज पेपर इन विच ही अब्यूजेज बी, सो हेयर बी राइट इज वॉयलेटेड, ए विल बी हेल्ड लाइबल अंडर डिफेमेशन एंड विल बी डायरेक्टेड टू गिव कंपनसेशन। ठीक है, हमने सिविल रॉन्ग की बात कर ली, अब हम क्रिमिनल रॉन्ग की बात करते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर पब्लिक रॉन्ग होता है और उसके अंदर पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, पब्लिक रॉन्ग मैंने आपको बता दिया, ए गोज टू बी एंड मर्डर हिम, दिस इज अ पब्लिक रॉन्ग एज होल सोसाइटी और कॉलोनी विल बी इफेक्टेड एट लार्ज बाय दिस एक्ट। फॉर दिस ए विल बी गिवन प्रॉपर पनिशमेंट एज स्पेसिफाइड इन लॉ। आईपीसी के अंदर जो गिवन है
उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी कि अगर तूने मर्डर करा है तो तेरे को 5 साल 10 साल इसकी सजा मिलेगी, ठीक है। पब्लिक रॉन्ग रिगार्डेड एज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, पूरी स्टेट इफेक्ट होती है इसमें, पनिशमेंट मिलती है। थेफ्ट मर्डर रिजल्ट्स पब्लिक एट लार्ज, सो इट इज अ पब्लिक रॉन्ग, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है, वो मैंने इस पेज के अंदर नीचे लिख रखा है। अब मैंने ये डिस्कस कर दिया इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो सिविल रॉन्ग बट दे आर मोस्टली नॉट टॉर्ट, टॉर्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइवेट, वो प्राइवेट होते हैं तभी तो हम सिविल रॉन्ग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, पर वो टॉर्ट नहीं होते। टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है। टॉर्ट में हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, दैट इज कोर्ट विल डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि प्री फिक्स्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से ही लिख रखे, या फिर पार्टीज ने फिक्स कर रखे कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, BOC, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वी टेंड टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाई एनी मीन, बाई मीन्स वी कैन बी इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल, हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ठीक है। तो उसके प्री फिक्स्ड बाय लॉ होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखे हुए, या फिर पार्टीज पहले से फिक्स करके रखती है। ये ड्यूटी लॉ, ड्यूटी इज इम्पोज बाय लॉ और ड्यूटी इज इम्पोज बाय पार्टीज, ये तो भाई लॉ की ड्यूटी है। ये मतलब लॉ का वो है कि जैसे कि मैं चल रहा हूँ सड़क पर, तो ये उसकी सबकी ड्यूटी है कि भाई बेसिक थिंग्स इंश्योर करें, मेरे सर पे गमला आके गिर जाएगा तो ये तो ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये ड्यूटी इम्पोज बाय पार्टीज है, ये दोनों पार्टीज ने अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है, ये तो जनरल हो गया, ये सबको फॉलो करना चाहिए। ये दो लोग अपनी मर्जी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं सप्लाई के लिए, तो ड्यूटी इज इम्पोज बाय पार्टीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज एन एम्प्लॉय इन कंपनी एक्स, देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम दैट स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 ईयर, एंड हु एवर विल ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर 1 लाख। सो दिस इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस दैट इज प्री फिक्सड बाय द पार्टीज देमसेल्व, सो इट इज एन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क बता दिया। एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसके अंदर सिविल रॉन्ग का। ए वॉज वॉकिंग ऑन रोड एंड सडनली अ फ्लावर पॉट फॉल्स डाउन द बालकोनी एंड ऑन ए जेड, सो ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द हाउस ओनर दिस एक्ट इज हैपन, सो ही विल बी लाइबल अंडर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी इस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है। अगर टॉर्ट है सिविल रॉन्ग है तो उसके लिए हम लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की जगह, सॉरी, उसके लिए हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करते हैं, ठीक है। तो ये टॉर्ट का बेसिक मीनिंग है, टॉर्ट हमको समझ में आ गया। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, मतलब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट करता है जिसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पर लिखा नहीं है, ये अनकोडिफाइड है, हमने इतनी बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। कई ऐसे केस भी होते हैं जिसमें टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहा है, इतना डीप में मत जाना, ये वाली चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है, पर फिर भी अपन को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहे हो, कैसे मैं बताऊं कि आपने ट्रेन की टिकट ली, आपको दिल्ली से महाराष्ट्र जाना है, दिल्ली से महाराष्ट्र जाने के लिए आपने टिकट ली, तो रेलवे की ड्यूटी है आपको वहां तक है ना सही टाइम पे, मतलब सही कंडीशन में आपको पहुंचा दे। रास्ते में ड्राइवर की नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण तो ड्राइवर ने तो नेग्लिजेंस करी, नेग्लिजेंस करी मतलब उसको हम टॉट में स्वीकार करेंगे, और जो हमने टिकट बाय उसको तो हम टॉट में स्वीकार करेंगे, और जो हमने टिकट उससे परचेज करी थी रेलवे से कि आप हमें वहां पहुंचाओगे, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करा, बीच में एक्सीडेंट हो गया रेलवे का, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम उसमें स्वीकार करेंगे। तो नेग्लिजेंस भी स्यू कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू करेंगे। तो मेनी केसेस है जिसमें टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवरलैप करते हैं। तो टॉर्ट हमें समझ में आ गया, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। व्हाट आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, द डैमेजेस विच आर फिक्स्ड, विच आर नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू अनदर। व्हाट इज सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, एंड फॉर दैट कंपनसेशन इज गिवन, ठीक है, हो गया। अब टॉट का हमारा बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉट के अंदर लिमिट, टॉट को डिफाइन हमारे
एक लिमिटेशन एक्ट है। बहुत सारे एक्ट होते हैं, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, बहुत सारे एक्ट होते हैं। उसमें हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उस देखो सेक्शन 2M है ना, टू, सेक्शन 2 मोस्टली डिफाइन करने के लिए बना है, हर जगह सेक्शन 2 डिफाइन ही करता है। तो सेक्शन 2M ने क्या बोला, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। वही चीज बोली कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, पर वो एक्सक्लूसिवली, मतलब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट, सिविल क्रिमिनल, टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट के लिए हमें देखो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया टॉर्ट का। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट की। एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, देखो टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट जरूरी है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए देखो तीन कंडीशन है। नंबर वन, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट, मेरे सर के ऊपर गमला गिरा तो वो उस लेडी का जो उसका ओनर है उसका रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। मेरा लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, मतलब मेरा सड़क पे ढंग से चलने का राइट था पर मेरे सर पे आके गमला गिरा तो मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया, मेरे मेरे लग गई, तो ये मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया। और इन सब के कारण हमें इसके लिए लीगल डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। यह अब भी हम पढ़ते हैं, लीगल डैमेजेस मिलते हैं। तो ये थ्री बेसिक क्राइटेरिया है फॉर टॉर्ट। टॉर्ट के एलिमेंट्स बोल सकते हो, टॉर्ट का क्राइटेरिया बोल सकते हो, अब देखना, ठीक है। एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट यू मस्ट हैव टू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशन। नंबर वन, अ रॉन्गफुल एक्ट शुड बी देयर, देयर शुड बी द वॉयलेशन ऑफ एनी प्राइवेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई राइट टू प्रॉपर्टी एंड सम अदर पर्सन, सम स्ट्रेंजर इंटरफेयर्स इन माई राइट एंड ही ट्रेस्पासेस टू माई लैंड, सो ही इज वॉयलेटिंग माई राइट टू प्रॉपर्टी एंड दस वॉयलेटिंग माई प्राइवेट राइट, दस ही इज कंडक्टिंग अ रॉन्गफुल एक्ट। सेकेंड, राइट ऑफ गुड रेपुटेशन, आई हैव रिटन थ्री ओनली बट देयर आर मेनी। वॉयलेशन होना चाहिए, मेरे प्राइवेट राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, वो किसी भी रूट से हो सकता है, वो राइट टू प्रॉपर्टी से हो सकता है, वो मेरी रेपुटेशन का वॉयलेशन हो सकता है, वो मेरे फ्रीडम का वॉयलेशन हो सकता है। असॉल्ट, बैटरी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डिफेमेशन और ट्रेसपास भी आगे डिस्कस करेंगे। पर ट्रेसपास होता है किसी के घर में घुसना, डिफेमेशन होता है किसी को अब्यूज करना पब्लिक के सामने जिससे कि उसकी रेपुटेशन कम हो, और असॉल्ट बैटरी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वॉयलेशन ऑफ एनी प्राइवेट राइट होता है। पहला तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज बोले तो, लीगल डैमेज बोले तो कोर्ट, कोर्ट की नज़रों में, कोर्ट की आइज के अंदर, एवरी डैमेज डज नॉट होल्ड वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट बी सच दैट विच रिजल्ट्स इन द वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, यही चीज मैंने आपको बोली है कि नंबर वन रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए वाया एनी रूट, वाया एनी रूट, या तो वो मेरी रेप्यूटेशन पे हो, मेरी फ्रीडम पर हो, मेरे किसी भी चीज़ पर हो, राइट टू प्रॉपर्टी पर हो, वाया एनी रूट रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, और लीगल राइट के वॉयलेशन होना चाहिए, दैट इज मेरे को लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज इज इन्फ्रिंजमेंट टू माई लीगल राइट। अब लीगल डैमेज के अंदर पता है दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे है, अपन समझेंगे, फिर मैं नोट से समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए तभी हम बोलेंगे टॉर्ट है। लीगल, एक मिनट, लीगल राइट का वॉयलेशन, लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, अभी हम बात करते हैं इसके। लीगल राइट का वॉयलेशन, देखो एवरी डैमेज डज नॉट होल्ड इन द होल्ड वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट बी सच दैट विच रिजल्ट्स इन द वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब लीगल डैमेज क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, और इंजूरिया साइन डैमनम। अब ये डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं, डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। देखो मेरी बात, जो साइन होता है ना उसका मतलब है विदाउट, तो डैमनम का मतलब खुद सोचो क्या होगा, डैमेजेस। इंजुरिया का मतलब क्या होगा, इंजरी। अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, लीगल राइट वॉयलेशन की इंजरी, लीगल इंजरी की बात कर रहे हैं हम, लीगल डैमेज की बात कर रहे हैं या अपन लीगल इंजरी की बात कर रहे हैं,
लीगल इंजरी होगी तभी टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, लीगल इंजरी होनी चाहिए। अब देखो किस केस में लीगल इंजरी होती है, इन दोनों में से एक केस में ही लीगल इंजरी होती है। ये तो होता है डैमेजेस, डैमेजेस विदाउट एन इंजरी, विदाउट एन इंजरी, लीगल इंजरी नहीं, मतलब लीगल इंजरी ही बोलेंगे पर अभी हम इसके हिसाब से डैमेजेस विदाउट इंजरी लिख रहे हैं, वो इम्प्लाइड होता है। और ये क्या है, इंजरी विदाउट डैमेजेस। देखो दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ पता है मेरे को, पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो पूरा टॉट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डैमेजेस विदाउट इंजरी, अब सुनो मेरी बात, मेरा वोट डालना लीगल राइट है, मेरा वोट डालना लीगल राइट है। ए ए गया वोट डालने, वोटिंग के लिए गया, ठीक है। ए गोज फॉर वोटिंग, देयर रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर अ पर्सन हु डस अवे विद द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, हु डू द, जो मतलब वोटिंग के जो प्रोसीजर होता है ना उसके अंदर एक रिटर्निंग ऑफिसर भी बैठता है वहां पर, जो उनका पैनल होता है ना वोटिंग का, तो वोटिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कास्ट, वोट कास्ट करने से मना कर दिया, उसको बोला तू घर जा हम तेरे को वोट कास्ट करने नहीं देंगे, कोई रीजन नहीं दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको बोल दिया कि तू जा। तो ए के लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, ए का लीगल राइट था वोट डालने का पर ए को रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट नहीं डालने दिया, तो ए के लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। पर इसमें क्या हुआ कि जो जिसको ए वोट, इसने उसको केस करा रिटर्निंग ऑफिसर पे, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा ए तो जिसको वोट डालने आया था ना वो पहले से ही जीत चुका है, वो इलेक्शन जीत चुका है, द पर्सन टू हुम ए वॉन्टेड टू वोट हैज ऑलरेडी वन द इलेक्शन, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ सुइंग मी, आई हैव नॉट वॉयलेटेड एनी राइट, सो कोर्ट सेज नो यू हैव वॉयलेटेड द लीगल राइट ऑफ ए टू कास्ट हिज वोट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंजूरिया इंजरी विदाउट डैमेजेस, दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम। लीगल राइट वॉयलेशन हुआ है पर कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि जिसको वो वोट डालने जा रहा था ना वो तो जीत ही गया। ये एशवे वर्सेज वाइट है, दिस इज नोन एज एशवे वर्सेज वाइट, लीडिंग केस लॉ है इसका, द लीडिंग केस लॉ है इंजूरिया साइन डैमनम का। दोनों समझ में आएंगे, वीडियो कंटिन्यू रखो, हो सकता है कि अभी नहीं आए पर आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंजूरिया साइन डैमनम या इंजरी विदाउट डैमेजेस, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, इंजरी हुई है लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है पर कोई डैमेज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया की, डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेजेस विदाउट एनी वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट और विदाउट एनी लीगल डैमेज और विदाउट एनी इंजरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो ए का स्कूल था बहुत फेमस स्कूल, ए का बहुत फेमस स्कूल था, उसके अंदर एक टीचर था, बी टीचर था जो कि बहुत फेमस था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने के कारण बी ने जॉब छोड़ दी और इसके पास में अपना स्कूल खोल लिया, अपना स्कूल खोल लिया, सॉरी स्कूल की, अपना स्कूल खोल लिया। इसके कारण क्या हुआ, जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे वो इधर शिफ्ट हो गए, वो इधर शिफ्ट हो गए, तो इसको लॉस हुआ, इसने फीस और कम कर दी, बच्चे फिर भी इधर आ गए क्योंकि ये इसका फेवरेट टीचर था, बच्चों का ये फेवरेट टीचर था, तो सारे बच्चे इस स्कूल में शिफ्ट हो गए। तो इसने इसको स्यू कर दिया, बोला कि तूने मेरे को डैमेज करा है, तो कोर्ट ने पता क्या बोला, डैमेज डैमेज तेरा हुआ है, तेरे को नुकसान हुआ है, तेरे को लॉस हुआ है पर लीगल राइट वॉयलेशन, लीगल राइट वॉयलेशन हुआ है तेरे को, कोई लीगल राइट वॉयलेशन नहीं हुआ, उसका लीगल राइट है स्कूल खोलने का, वो स्कूल खोले कॉलेज के लो, तेरे को क्या मतलब, डैमेज हुआ है, लीगल राइट वॉयलेशन नहीं हुआ, तो ये किसके अंदर आएगा, डैमेजेस विदाउट इंजरी, डैमेजेस आर देयर बट इंजरी इज नॉट देयर। एक और बार मैं इसको बोल देता हूँ, देखो लीगल, देयर आर बेसिकली टू थिंग्स इन लीगल राइट, वन इज डैमनम साइन इंजरिया एंड अदर इज इंजूरिया साइन डैमनम। इन डैमनम साइन इंजूरिया देर आर डैमेजेस विदाउट इंजरी एंड इन इंजूरिया साइन डैमनम देर इज अ लीगल राइट वॉयलेशन विदाउट विदाउट डैमेजेस, ठीक है। और लीडिंग केस लॉ इन इंजूरिया साइन डैमनम इज एशबे वर्सेज वाइट, एशबे वर्सेज वाइट वॉज दैट ए गोज फॉर वोटिंग, देयर रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट हिज वोट एंड टेल हिम टू गो होम, देन ए सीज द रिटर्निंग ऑफिसर,
कोर्ट सेज देर इज अ वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट बट द रिटर्निंग ऑफिसर सेज दैट द पर्सन टू हुम ए वॉन्ट्स टू वोट हैज ऑलरेडी वन द इलेक्शन सो देर इज नो डैमेजेस. सो कोर्ट सेज दैट इन दिस केस देर इज अ लीगल राइट वॉयलेशन ऑफ ए. ए हैज द लीगल राइट टू वोट, ही हैज नॉट वोटेड, दैट मीन्स देर वॉज अ डायरेक्ट देर वॉज अ इंजरी टू हिज लीगल राइट विदाउट एनी डैमेजेस. दैट इज नोन एज एशवे वर्सेज वाइट. सो इन दिस केस सो दिस इज अ टॉट. ठीक है, दिस इज अ टॉट. देर आर थ्री एलिमेंट्स टू इट, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल राइट वॉयलेशन. ठीक है, देन वॉट इज डैमनम साइन इंजूरिया, दिस इज डैमेजेस. दैट मीन्स वी नो यू हैव सफर्ड लॉस बट यू हैव नॉट सफर्ड एनी राइट वॉयलेशन. आपके किसी भी राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ इस लॉस के कारण. कैसे? ए ए वॉज हैविंग अ फेमस स्कूल. दिस इज द लीडिंग केस लॉ ऑफ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल. ग्लॉमस्टर ग्रामर स्कूल, आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन राइट नाउ but it's a leading case law. I will definitely tell you guys. So it is a leading case law in which A has a school in which there was a B who was very famous among students. Due to any dispute, इन दोनों के dispute के कारण इसने B ने job छोड़ दी, school खोल लिया, school में सारे बच्चे C में shift हो गए, इसको loss हुआ. Court गया, court ने बोला आपके legal right का कोई violation नहीं है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसमें आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, इसमें हम आपको मदद कर सकते हैं, इसमें हम आपको कंपनसेशन दे देंगे, इसमें हम आपको कंपनसेशन दे देंगे. ठीक है, तो अब हम आगे बात करें. ये समझ में आ गया, एकदम आसान है. कोई भी वीडियो दोबारा देखना, मैंने दो बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट करा है, समझ में आ जाएगा. इसके बाद के तो बहुत ईजी है. ठीक है, लीगल डैमेज, डैमनम साइन इंजूरिया, इन्फ्रिंजमेंट टू लीगल राइट, डैमेजेस विदाउट एनी एक्चुअल लीगल इंजरी, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस. ग्लॉमस्टर ग्रामर स्कूल केस, बी ए हैज अ फेमस स्कूल इन विच बी इज अ टीचर. ड्यू टू अ डिस्प्यूट ही लेफ्ट स्कूल एंड सेट अप राइवल स्कूल नेक्स्ट टू एज स्कूल. बीज स्कूल वॉज फिल्ड. ड्यू टू दिस एक्ट ए सफर्ड हैवी लॉस. ही गोज टू कोर्ट. कोर्ट सेज नो वी कैन नॉट हेल्प यू, योर no right of you has been violated, you have suffered only loss, so we cannot help you. One more example, इसका एक और example है. एक पहले जय संतोषी माँ करके movie आई थी, उसके अंदर सरस्वती जी पार्वती जी जो भी उनके character थे उन्होंने उनको display करा था. तो एक जना court चले गया, उसने कहा कि मेरे को इस movie को ban करो क्योंकि मैं इससे बहुत emotionally connected हूँ. और तो कोर्ट ने कहा कि क्यों बैन करे इस मूवी को, ये तुम्हारे लीगल राइट का वॉयलेशन कर रही है, नहीं कर रही. तो कोर्ट ने उस मूवी को बैन नहीं करा. तो ऐसे करके हमारे मतलब हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए लीगल डैमेज में दो आते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया, इसका मीनिंग पता होना चाहिए और इसका लीडिंग केस लॉ पता होना चाहिए. ग्लॉसमस्टर ग्रामर स्कूल केस ये मॉड्यूल में गिवन है, मन से नहीं कर रहा मैं, मॉड्यूल में गिवन है. ठीक है, और ये इसका मतलब पता हो गया मैक्सिम का. तो ये हमारा हो गया ये. अब हम आगे चलते हैं, इसको रखते हैं. ठीक है, अब हम ये ठीक है इसको करते हैं. दिस ऑल रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मनी टू ए. सो इन दिस केस आई कैन नॉट सी यू बी एज देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट. ये ग्लॉमस्टर ग्रामर स्कूल केस का कंटिन्यू कर रखा है मैंने. अब हम सेकंड केस पे आइए, मैंने आपको डिस्कस कर लिया. इंजूरिया साइन डैमनम इज इंजरी विदाउट एनी डैमेजेस. एशबे वर्सेज वाइट के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर स्टॉप्ड बी फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट ऑल्दो द कंटेस्टेंट टू हुम बी विल वोट वन द इलेक्शन सो देर इज नो हार्म बट देन टू इट देर इज अ वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ. प्लेंटिव डिफेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी, पर एक बार अभी छोड़ो. इसको लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ, कंपनसेशन देना पड़ेगा. एशबे वर्सेस वाइट इसका लीडिंग केस लॉ है, प्लीज याद कर लेना, भूलने की इसमें कोई वो नहीं है. डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ट्रेसपास, अब ट्रेसपास हुआ. ट्रेसपास के अंदर क्या होता है, ये भी इंजूरिया साइन डैमनम का रिस्पॉन्सिबल दे रहा है. देखो ट्रेसपास के अंदर हमें कोई डैमेज नहीं होता, कोई हमारे घर में आया स्विमिंग पूल में नहा के चले गया, मेरे को कोई खास डैमेज नहीं हुआ उससे, पर फिर भी मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है. लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ. ठीक है, कोर्ट जा सकता हूँ. अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी. अब पर सुनो एक बात बताओ, कोई मेरे पुलिस मेरे घर में आ गई, पुलिस किसी काम से ही तो मेरे घर पे आएगी, कोई वारंट लेकर आई होगी, कोई भी पुलिस को मेरे से कोई काम होगा, पुलिस अपनी ड्यूटी के अंदर मेरे घर पे आई है. तो इसमें ये नहीं कि तुम ट्रेसपास कर दिया, तुम्हें पुलिस के पास अथॉरिटी है घर में आने की विदाउट कुछ, उनके पास वारंट है, उनसे वो तुम्हारे घर में आ सकते हैं. तो उस पर ट्रेसपास का केस मत कर देना. ठीक है, ट्रेसपास के अंदर मैंने सिर्फ ये इंजूरिया साइन डैमनम को समझाने के लिए बताया कि डैमेज नहीं है पर फिर भी लीगल राइट का वॉयलेशन है. तो ये हमारा सेकेंड हो गया. टॉर्ट के एलिमेंट्स है, नंबर वन रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. रॉन्गफुल एक्ट मतलब कुछ
रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट मतलब मैंने आपको बताया अभी कि राइट, कोई मेरा ट्रेसपास होना चाहिए, कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और उससे मेरा लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होगी तो मेरे को लीगल रेमेडी कोर्ट देगा, कोर्ट विल प्रोवाइड मी द लीगल रेमेडी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमने ये तो हम कहाँ थे, मैं ये बोल रहा था कि अगर ये फर्स्ट और सेकंड चीज़ सेटिस्फाई हुई तो उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, उसको रॉन्गफुल एक्ट की वजह से लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ तो उसको लीगल रेमेडी मिलेगी। हमने ये देखा था, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, वो भी जस ए बी रेमेडी। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर वन में भी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 32, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोज देखी है तो याद होगा, वो भी जस ए बी रेमेडियम, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी वाला कॉन्सेप्ट। और रेमेडी क्या है, कंपनसेशन है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होती। अब मेरी एक और बात सुनना, एक और देखो। तो हमने क्या करा, टॉर्ट के एलिमेंट होते हैं, रॉन्गफुल एक्ट हुआ, लीगल राइट वायलेशन हुआ, उसके लिए मेरे को लीगल डैमेजेस मिल गए, कंपनसेशन मिल गया, कंपनसेशन मिल गया। ठीक है, तो ये हमने टॉर्ट के बेसिक एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब एक और चीज छोटा सा है, ये तो मेंटल एलिमेंट का कोई टॉर्ट में रोल क्या है, टॉर्ट का रोल है भी या नहीं है। देखो मेरी बात, जो क्राइम होता है ना, क्राइम क्राइम के अंदर जो तुमने एक्ट करा है उसको भी कंसिडर करते हैं और जो तुम्हारे मेंटल इंटेंशन है उसको भी कंसिडर करते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मर्डर गलती से हो जाता है। तुम बोलोगे मर्डर गलती से कैसे होता है, तो मान लो मैं वहां पर जंगल में शिकार खेलने गया बचपन में, ये पहले के जमाने में जाते थे ना राजा महाराजा, तो मैं शिकार करने गया, अपनी गन लेकर गया, मैंने सोचा कि उस पेड़ के पीछे रैबिट है, पर मैंने रैबिट की जगह किसको मार दिया, किसी इंसान को मार दिया, क्योंकि उस पेड़ के पीछे मूवमेंट हुआ, मेरे को लगा कोई जानवर है, मैंने गन चलाई पर बाद में पता लगा कोई इंसान की डेथ हो गई, तो वो क्या हुआ, मेरा मेंटल इंटेंशन था ही नहीं उसको मारने का। तो क्राइम में दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ, क्या टॉट के अंदर भी दोनों चीज़ें कंसिडर करेंगे, तो टॉट के अंदर एक तो हुआ तुम्हारा रॉन्गफुल एक्ट कि तुम किसी के घर में घुसे, वो तो कंसिडर करेगी, तो क्या मेंटल इंटेंशन भी टॉर्ट में कंसिडर करेंगे। तो कोर्ट ने पता क्या बोला कि तुम मेरे घर, ऐसा होएगा कि मैं कॉलोनी से जा रहा हूँ तो मेरे सर पे किसी ने गमला मार दिया, तो उसने कहा कि मेरे को लगा तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो मेरे को लगा कि गमला मारने से शायद तुम्हारी याददाश्त आ जाए, तो मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए मारा, ये क्या लॉजिक हुआ। फिर स्विमिंग पूल वाला केस हुआ, मेरे को तो लगा कि तुम मेरे आने से खुश, मेरे को तो लगा कि तुम मेरे ए बी के स्विमिंग पूल में गया ऐसे ट्रेस पास करके, उसने रीजन पता है क्या दिया, मेरा कोई इंटेंशन तुम्हें तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मेरे को तो लगा तुम मेरे आने से खुश हो गए, उसका मेंटल इंटेंशन अच्छा था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई टॉट में मेंटल इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, मेंटल इंटेंशन बोले तो मेंस रिया, मेंस रिया ये टर्म्स है, क्राइम में काफी यूज होगी, एग्जीक्यूटिव में काफी बार आएगी, लॉ में काफी बार आएगी, एक्टस रिया। तो एक्ट को हम बोलते हैं एक्टस रिया और मेंस रिया को बोलते हैं मेंटल इंटेंशन। तो टॉट में मेंटल इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, यही चीज मैंने लिखी है, रोल ऑफ मेंटल इंटेंशन इन टॉट, फिजिकल एक्ट प्लस मेंटल इंटेंशन इज क्राइम, इन क्राइम बोथ एक्टस रिया इज मेंस रिया इज कंसिडर्ड, बट इन टॉट मेंटल इंटेंशन इज इररिलेवेंट बिकॉज पर्सन कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी अंडर टॉट सिंपली बिकॉज ही हैज नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म, ओनली रॉन्गफुल एक्ट प्लस वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट इज सफिशेंट इज सीन। तो इनके कारण हमारा टॉट, ये देखते हैं हम टॉट में। तो आज हमने लेक्चर 2 भी अभी आ जाएगा पर इसको मैं अपलोड पे लगा रहा हूँ, तो हमने क्या करा, हमने टॉट क्या होता है, टॉट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टॉट और क्राइम में डिफरेंशिएशन क्या होता है, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रहा टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने ये करा, ये वाली चीज़ को ध्यान रखना, इससे तुम्हें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि इसमें लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड, मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कराया तो मैं काफ़ी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे को पिंग करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारे ग्रुप के अंदर 500+ मेंबर्स ऐड हो गए, हमारे दो ग्रुप फुल हो गए, नोट्स ग्रुप के अंदर आएंगे, क्विजेज भी सून ग्रुप में चालू होएगी। अब एलिमेंट्स ऑफ टॉट की बात करें, रॉन्गफुल एक्ट हो गया, लीगल डैमेज हो गया, लीगल रेमेडी हो गई, रॉन्गफुल एक्ट किसी भी रूट से हो सकता है, अभी इधर 3 ही रूट मेंशन कर रहे हैं, लीगल डैमेज 2 तरीके के होते हैं पर उसमें एक तरीके का ही वो है, ये वाले के अंदर ही, इस वाले में हम कुछ नहीं कर सकते, जब तुम्हारे अगर तुम्हारे लीगल राइट का वॉयलेशन होगा तभी हम तुम्हारी कोई मदद कर पाएंगे, वरना हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, तो ये हमारी चीज हो गई। ठीक है, देख ये वाली,
अब इसमें ये वही चीज है कि देखो, अगर मेरा कोई राइट है तो सामने वाले की ड्यूटी है उस राइट को रिस्पेक्ट करना, और अगर उसका कोई राइट है तो मेरी ड्यूटी है उसको रिस्पेक्ट करना। ये एक वही चीज है कि अगर मेरा राइट है, मेरे स्विमिंग पूल, मेरे घर के स्विमिंग पूल में सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ, मेरे घर में सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ, तो सामने वाले की ड्यूटी है वो मेरे घर पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ रहे हो ना, एवरी राइट कम्स विद ड्यूटी ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, खुद का राइट है तो सामने वाले की ड्यूटी है, सामने वाले का राइट है तो हमारी ड्यूटी है उसके राइट को रिस्पेक्ट करने की। कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंस रिया वाला हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन सीखा और हमने बेसिक एलिमेंट्स सीखे और मेंस रिया का रोल सीखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोट्स एंड एमसीक्यूज विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड सून। थैंक यू।